हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाने वालों को, जिनको अगर आप नियमित थोड़े दिन के लिए भी करते हो तो आपके गर्दन का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। जिनको लंबे समय के लिए कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है, या तो फिर लेडीज को आगे झुक के काम करना होता है, या तो स्टूडेंट को आगे झुक के इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, अगर उस दरमियान आप अपने पोस्चर को सही तरीके से नहीं रखते हो तो फिर इनकी वजह से हमारे जो गर्दन के मसल्स होते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा लोड आता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर सूजन आ जाती है और बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अगर लंबे समय के लिए यही प्रोसीजर स्टार्ट रहती है तो फिर आपके गर्दन के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, फिर हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन का सपोर्ट होता है वह कम होने लगता है, सर्वाइकल स्पाइन का जो अलाइनमेंट होता है वह बिगड़ जाता है, इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, जिनको सर्वाइकल स्पोंडाइलिसिस बोला जाता है। वहां पर आपको स्लिप डिस्क की भी असर हो सकती है, वहां पर से जो नर्व्स निकलती है वह दबना शुरू हो जाती है, इनकी वजह से आपके हाथों में झुनझुनाहट होती है, आपके हाथ सुन पड़ने लगते हैं, आपके हाथों में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको यह बड़ी तकलीफ से अपने शरीर को बचाना है तो शुरुआती स्टेज में इनको दबाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आपको मैं जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं, इनको अगर आप नियमित करते हो तो आप अपने मसल को रिलैक्स रख सकते हो, उनको रिलीज कर सकते हो और शुरुआती स्टेज में आप नेक पेन का इलाज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहां पर हमें गर्दन के आसपास के सभी मसल को स्ट्रेच देना है, जो आगे के मसल है, पीछे के मसल, दोनों साइड के मसल और हमारे जो अपर बैक और मिडल बैक के जो मसल है, यह सभी मसल को हमें स्ट्रेच देना है। तो यह सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को सीख लेते हैं। यहां पर हमें जो पहली एक्सरसाइज करनी है वह हमारे गर्दन के साइड के मसल को स्ट्रेच करना है। तो जिस साइड के मसल को स्ट्रेच करना है वह हाथ को कमर के पीछे इस तरीके से रख देना है, दूसरे हाथ से हेड को इस तरीके से साइड पर झुकाना है, आपका शोल्डर नीचे ही रहना चाहिए। जहां पर आपको स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए वहां पर रुक जाना है, 10 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 5 टाइम्स करना है, इस जगह पर आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच फील होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें स्ट्रेच देना है, यह वाले हाथ को कमर के पीछे इस तरीके से रख देना है, दूसरे हाथ से ऐसे हेड को साइड पर झुकाना है, शोल्डर आपका नीचे रहना चाहिए। गर्दन पर इस साइड पर आपको स्ट्रेच फील होगा, जहां पर स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हो जाए वहां पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड करना है, ऐसे 5 बार आपको करना है। तो यह हो गया हमारा पहला स्ट्रेच। इनके बाद का जो दूसरा स्ट्रेच है वह हमारे गर्दन के आगे के मसल को स्ट्रेच देना है। तो इनके लिए आपको दोनों हाथ से चेस्ट के ऊपर के जो मसल होते हैं इनको इस तरीके से स्टेबिलाइज कर देना है, इनके बाद फिर गर्दन को ऐसे पीछे झुकाना है। जहां पर आपको स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हो जाए वहां पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड करिए, ऐसे 5 बार आपको करना है। तो ये हो गए हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की जो तीसरी एक्सरसाइज है वह हमारे गर्दन के आगे के और जो साइड के मसल होते हैं उनको स्ट्रेच हमें देना है। तो इनके लिए भी हमें दोनों हाथ से चेस्ट के ऊपर के जो मसल्स होते हैं उनको इस तरीके से स्टेबिलाइज कर देना है, इनके बाद फिर गर्दन को पीछे और साइड पर इस तरीके से झुकाना है। इस जगह पर आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, 10 काउंट होल्ड, 5 रिपीटेशन करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें पीछे और साइड पर गर्दन को झुकाना है, 10 काउंट होल्ड, 5 रिपीटेशन। यहां पर आपको स्ट्रेच फील होगा, आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। तो ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की जो चौथी एक्सरसाइज है वह हमारे गर्दन के पीछे के मसल को स्ट्रेच करने वाली करनी है। तो इनके लिए आपको स्ट्रेट इस तरीके से बैठ जाना है, फिर दोनों हाथ से हेड को ऐसे आगे झुकाना है, प्रेस करना है, आपकी जो चीन है वह चेस्ट के ऊपर टच होनी चाहिए, इस तरीके से दबाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। पीछे की साइड पर बहुत ही बढ़िया आपको स्ट्रेच फील होगा। तो यह हो गई चौथी एक्सरसाइज। इनके बाद की जो पांचवी एक्सरसाइज है वह हमारे गर्दन के पीछे के और साइड के मसल को स्ट्रेच करने वाली करनी है। तो इनके लिए भी आपको स्ट्रेट बैठ जाना, स्पाइन आपका सीधा ही रहना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद हेड को क्रॉस यानी कि ओब्लिक डायरेक्शन में हमें झुकाना है, आगे और साइड पर इस तरीके से झुकाना है, आपकी चीन चेस्ट के ऊपर टच होगी,
10 काउंट होल्ड करिए, यहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच आपको फील होगा, इनके बाद छोड़ देना है, 5 रिपीटेशन करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी ओब्लिक डायरेक्शन में गर्दन को ऐसे आगे और साइड पर झुकाना है, यहां पर स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है, स्पाइन आपका सीधा ही रखना है। तो यह 5 एक्सरसाइज हमारे गर्दन के आसपास के जो मसल्स है इनके लिए हमें करनी है। इनके बाद की 5 एक्सरसाइज हमारे अपर और मिडल बैक के मसल्स के लिए करनी है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है इनको करने के लिए दोनों हाथ की सभी फिंगर को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इनके बाद हाथ को ऐसे उल्टा करके आगे स्ट्रेच देना है, आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए, शोल्डर नीचे, इनके बाद शोल्डर को ऐसे आगे खींचना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद शोल्डर को पीछे लेना है, वापस धक्का लगाइए, शोल्डर को आगे लीजिए, 10 काउंट होल्ड, पीछे लीजिए, 10 काउंट होल्ड। इस तरीके से हमें 10 टाइम्स करना है। यहां पर खास ध्यान में रखना है कि जब भी आप हाथ को ऐसे आगे लेते हो तो आपका स्पाइन इस तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है, स्पाइन सीधा ही रखना है, और हाथ को ऐसे वापस लेते वक्त आपका हाथ एल्बो में से ऐसे बेंड नहीं करना है, वह भी खास ध्यान में रखना है, हाथ एल्बो में से ऐसे सीधा रख के ही शोल्डर को पीछे लेना है। तो ये हो गया हमारा अब पहला स्ट्रेच। इनके बाद की जो दूसरी एक्सरसाइज है इनको करने के लिए भी दोनों हाथ की सभी फिंगर को ज्वाइंट कर देना है, इनके बाद हाथ को उल्टा करके सिर के ऊपर इस तरीके से खींचना है और दोनों हाथ को कान के पीछे लेना है, यहां पर आके 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ दीजिए, वापस से हाथ को उल्टा करके ऊपर खींचना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। यहां पर आपके जो अपर बैक के मसल होते हैं जिनको ट्रेपेजियस मसल बोला जाता है वहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच आपको फील होगा। तो ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज को करने के लिए भी इस तरीके से हाथ को ज्वाइन कर दीजिए, सिर के पीछे हाथ को ऐसे रख देना है, इनके बाद दोनों एल्बो को ऐसे पीछे खींचना है और हाथ को ऐसे गर्दन पर से ऊपर उठा लेना है, यहां पर आके 10 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद छोड़ देना है, वापस से एल्बो को खींचना है, हाथ को सिर से ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, ऐसे 5 बार आपको करना है। तो यह हो गई तीसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों हाथ को ऐसे कमर के पीछे जॉइंट कर देना है, स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर को ऐसे पीछे खींचिए, फिर हाथ को एल्बो में से सीधा करना है और हाथ को कमर पर से ऊपर उठाना है, यहां पर आपको स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड करिए, फिर छोड़ देना है, शोल्डर को पीछे लीजिए, हाथ को एल्बो में से सीधा करिए और कमर पर से ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 5 बार करना है। तो यह हो गई चौथी। इनके बाद की जो 5वीं एक्सरसाइज है वह है गौ मुखासन, यानी के पीछे की साइड पर आपको दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेना है, आपका जो राइट हैंड है उनको ऊपर से पीछे ले जाना है और जो लेफ्ट हैंड है उनको नीचे से ऐसे पीछे ले जाना है, पीछे दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेना है, आपकी जो गर्दन है वह सीधी रहनी चाहिए और हाथ इनके एग्जैक्ट बाजू पर सीधा रहना चाहिए। इसी तरीके से यह वाले हाथ को नीचे से पीछे लेना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर से पीछे लेना है, पीछे की साइड पर दोनों हाथ को पकड़ लेना है, यहां पर 10 काउंट होल्ड करिए, ऐसे दोनों साइड पर 5-5 बार हमें करना है। अगर पीछे की साइड पर आपका हाथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है तो आप नेपकिन का इस्तेमाल करके भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से पीछे आपको नेपकिन पकड़ लेना है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वह कम करते जाना है। तो इस तरीके से आप नेपकिन का इस्तेमाल करके भी यह गौ मुखासन करते हो। तो यह 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको अपर और मिडल बैक के मसल के लिए करनी है। इनके बाद की जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज को चीन टकिंग एक्सरसाइज बोला जाता है। यह एक्सरसाइज करके आप अपने सर्वाइकल स्पाइन का जो पोस्चर होता है उनको सही कर सकते हो। अगर आपका पोस्चर इस तरीके से हो गया है जिनको फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोला जाता है तो इनको सही करने के लिए हमें यह चीन टकिंग एक्सरसाइज करनी है। स्पाइन को सीधा रख के इस तरीके से बैठ जाना है, दोनों शोल्डर को पीछे रखना है, इनके बाद गर्दन को ऐसे आगे लेनी है, 10 काउंट होल्ड, फिर गर्दन को ऐसे पीछे, 10 काउंट होल्ड, आगे 10 काउंट होल्ड, पीछे 10 काउंट होल्ड। इस तरीके से हमें 10 बार करना है। तो ये चीन टकिंग एक्सरसाइज करके आप अपने गर्दन का जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा उनको आप सही कर सकते हो।
इनके बाद की जो एक्सरसाइज है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक भी बोला जाता है। अगर आपकी गर्दन इस तरीके से फॉरवर्ड हेड पोस्चर में हो गई है तो इनकी वजह से पीछे की साइड पर जो वर्टेब्री होती है वह पीछे इस तरीके से दबना शुरू हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है, जिनको सर्वाइकल स्पोंडिलोलिसिस बोला जाता है। तो यह सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप यह वर्टेब्री को ओपन कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो और आप सर्वाइकल स्पोंडिलोलिसिस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक को करने के लिए आपको एक हाथ की ऐसे फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद फिस्ट का जो नीचे का पार्ट है इनको हमारे चेस्ट के ऊपर यहां पर जो खड्डा दिख रहा है वहां पर रख देना है, आपकी चीन को फिस्ट के ऊपर इस तरीके से रख देनी है। इनके बाद दूसरे हाथ से हेड को ऐसे अच्छी तरीके से दबाव देना है। आपकी जो फिस्ट है वह नीचे स्लाइड नहीं होनी चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से हेड को दबाना है, 10 काउंट होल्ड करिए फिर छोड़ देना है। यहां पर पीछे की साइड पर आपकी वर्टेब्री ओपन होती हुई आपको फील होगी। तो यह सिंपल सी सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी वर्टेब्री को ओपन कर सकते हो। इनकी बात की जो एक्सरसाइज है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पूरे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए। हमारे सर्वाइकल स्पाइन का पोस्चर हमारे अपर मिडल और लोअर स्पाइन के पोस्चर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हमारा अपर मिडल और लोअर स्पाइन सही अलाइनमेंट में रहता है तो फिर हमारा सर्वाइकल स्पाइन भी सही अलाइनमेंट में रहेगा, आपको कभी भी नेक पेन या तो सर्वाइकल स्पोंडिलोलिसिस की असर नहीं होगी। तो ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज करके आप पूरे स्पाइन को फ्लेक्सिबल रख सकते हो, वहां पर स्पाइन का अलाइनमेंट सही रख सकते हो। तो यह एक एक्सरसाइज को जान लेते हैं। तो यह एक्सरसाइज को कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोला जाता है। तो इनको करने के लिए आपको यह क्रॉल पोजीशन लेनी है, यानी कि दो हाथ और दो घुटने के ऊपर यह पोजीशन आपको बना लेनी है। आपके दोनों हाथ एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे और दोनों नी आपके एग्जैक्ट हिप के नीचे आने चाहिए। यह पोजीशन में आने के बाद फिर आपको एक गहरा श्वास लेके हेड को ऐसे ऊपर उठाना है और आपकी जो कमर है उनको नीचे ले जाना है। यहां पर आपको ब्रीथ इन करना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद फिर गर्दन को नीचे ले जाना है और जो आपकी कमर है इनको इस तरीके से ऊपर उठानी है। यहां पर आपको ब्रीथ आउट करना है, 10 काउंट होल्ड करना है, वापस से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इस तरीके से आपको यह पूरी साइकिल 10 बार करनी है। ऊपर आते समय ब्रीथ इन करना है, कमर को जितना हो सके उतना नीचे ले जाना है और नीचे गर्दन को लेके कमर को ऊपर उठाते वक्त ब्रीथ आउट करना है। आपकी जो बॉडी है वह इस तरीके से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है, आपकी बॉडी एग्जैक्ट न्यूट्रल पोजीशन में रहनी चाहिए। तो यह हो गई कैट एंड कैमल। तो ये सभी एक्सरसाइज को फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो पहली 5 एक्सरसाइज थी वह हमारे गर्दन के आसपास के मसल के लिए थी। इसमें पहली एक्सरसाइज करने के लिए हाथ को ऐसे पीछे रख देना है, दूसरे हाथ से गर्दन को ऐसे साइड पर झुकाना है, दूसरी एक्सरसाइज गर्दन के आगे के मसल के लिए हमें करनी थी, दोनों हाथ से चेस्ट के मसल को स्टेबिलाइज करना है फिर गर्दन को पीछे झुकाना है, तीसरी एक्सरसाइज गर्दन के आगे के और साइड के मसल के लिए हमें करनी थी, तो जो हमारे चेस्ट के ऊपर के मसल है उनको स्टेबिलाइज करना है फिर गर्दन को पीछे और साइड पर झुकाना है, चौथी एक्सरसाइज हमारे गर्दन के पीछे के मसल के लिए हमें करनी थी, इस तरीके से सिर को आगे झुकाना है, पांचवी एक्सरसाइज गर्दन के पीछे के और साइड के मसल के लिए हमें करनी थी, तो ऐसे गर्दन को ऑब्लिक डायरेक्शन में हमें झुकाना है, आपकी चीन चेस्ट के ऊपर टच होनी चाहिए। इनके बाद की जो 5 एक्सरसाइज हमने की थी वह हमारे अपर और मिडल बैक के मसल के लिए हमने की थी। इसमें पहली एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से हाथ को आगे खींचना है, दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऊपर खींचना है, तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे सिर के पीछे रख के खींचना है, चौथी एक्सरसाइज में कमर के पीछे हाथ को रख के इस तरीके से स्ट्रेच देना है, पांचवी एक्सरसाइज में गौ मुखासन इस तरीके से हमें बनाना है। अगर पीछे हाथ टच नहीं हो रहा है तो आप नेपकिन का इस्तेमाल करके इस तरीके से पीछे पकड़ सकते हो। तो यह 5 एक्सरसाइज अपर मिडल बैक के मसल के लिए करनी थी। इनके बाद की 11वीं एक्सरसाइज चीन टकिंग एक्सरसाइज हमें करनी है, स्पाइन को सीधा रख के इस तरीके से बैठ जाना है, इनके बाद गर्दन को आगे फिर गर्दन को पीछे लेना है। इनके बाद की जो 12वीं एक्सरसाइज थी वह थी सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक, हाथ को फिस्ट हाथ की फिस्ट बना लेनी है, फिर नीचे का पार्ट चेस्ट के ऊपर रखना है, चीन को ऐसे फिस्ट के ऊपर रख के दूसरे हाथ से हेड को पुश करना है।
तो यह हो गई 12वीं एक्सरसाइज। जो 13वीं एक्सरसाइज थी वह थी कैट एंड कैमल। तो यह 13 एक्सरसाइज हमें करनी है। तो यहां पर हमने यह गर्दन दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखा दी। अगर यह सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को आप नियमित करते हो तो आपका गर्दन का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।